हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइन्थ लेक्चर ऑफ जीएसटी। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा फोर्थ चैप्टर। लेकिन उसके पहले मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। मैंने कहा था कि आप लोग ये जो थर्ड चैप्टर है इसके अंदर एक चीज पढ़ लेना, तो थोड़ा बहुत फिर बाद में मैंने मना भी किया और थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, सेम है। लेकिन एक नई चीज मुझे इसके अंदर जो नोटिफिकेशन में है वो बतानी रह गई थी, तो इसलिए मैंने बोला कि आप मत पढ़िए, या पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप लोगों को अगर याद है तो इसके बारे में जब कंपोजिशन स्कीम मैंने स्टार्ट की थी तो आपको एक चीज बताई थी, ये डायग्राम हमने बनाया था कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर सेक्शन 10 के हिसाब से तो कंपोजिशन रहता ही है, साथ ही एक नोटिफिकेशन भी है, नोटिफिकेशन 2/2019, और वो नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली किसके लिए है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए। हुआ यह था कि जीएसटी आया तो कंपोजिशन स्कीम जो थी ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए थी, और सेक्शन 10 के अंदर रहता सिर्फ एक ही ऐसी सर्विस थी जो थी रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, जिसके अंदर आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते थे। अब सप्लायर्स लोग नाराज अगेन कि भैया जैसे मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मैं सर्विस सप्लाई कर रहा हूं तो मैं कैसे करूं। अब मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स तो सर्विस कितनी सप्लाई करते हैं आपको पता है, या तो रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस होनी चाहिए तो वो 1.5 करोड़ के हिसाब से बैठेंगी, या फिर आपको मालूम है 10% ऑफ टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, इतनी आप सर्विस अप्लाई कर सकते हो, बराबर है ना। ये तो हमने देखा, तो सर्विस एलिमेंट भी है, कोई भी सिर्फ गुड्स तो बेचता नहीं, थोड़ा सर्विस एलिमेंट उसमें रहता ही है, तो ये इसलिए भी डाला था इन लोगों ने। तो उसके बाद इलेक्शन के पहले मोदी जी ने बराबर नोटिफिकेशन लेके आया 2019, नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। ये नोटिफिकेशन नंबर बेटा याद रख लो, जब भी कंपोजिशन स्कीम सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए है, तो ये नोटिफिकेशन नंबर आपको याद रहना चाहिए। अच्छी बात है, रहे तो, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और सेक्शन 10 कंपोजिशन बहुत आसान है, देखिए 7 याद है, 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाईज, 9 चार्ज लेवी के लिए, और 10th कंपोजिशन लेवी के लिए। आई बात समझ में? तो आप ये थोड़ा बहुत एज पर सेक्शन 10 1A2 1AB ऐसा नहीं भी लिखो तो एज पर सेक्शन 10 एटलीस्ट इतना तो लिख देना एग्जाम में, या एज पर सेक्शन 7 जो भी सेक्शन रहे एटलीस्ट इतना लिख दिए तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, ये थोड़े बहुत रख सकते हैं अपन याद। तो अभी मैं आऊंगा, अब ये नोटिफिकेशन आपको पढ़ाता हूं, इसका 15 मिनट का काम है, लेकिन एक इसमें क्रक्स चीज है, बाकी तो सब सिमिलर है, एक चीज है जो आप लोगों को मुझे बतानी है। चलिए जरा इसको देखते हैं। तो ये कंपोजिशन स्कीम थी सर्विस के लिए, सर्विस प्रोवाइडर भी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे, स्मॉल सर्विस लाइक सलून, स्टाइलिस्ट, टेलर, कोई भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब 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 इसके अंदर आ गए, बराबर है। अब फर्क क्या दोनों में, हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे ठीक है, कंपोजिशन में आप एलिजिबल हो, अगेन टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वहां 1.5 करोड़ था, यहां 50 लाख है, और स्पेशल स्टेट्स के लिए ऐसा कुछ अलग इसमें नहीं है, ठीक है। सेकेंडली वहां पे रेट 1% था, रेस्टोरेंट के लिए 5 था, यहां रेट 6% है, 3% प्लस 3%, फिर भी पुराता है, क्योंकि बेटा ज्यादातर सर्विसेज जो है ना वो 18% के दायरे में है, फिर भी पुराता है। अगेन इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने नहीं मिलता, इनपुट टैक्स का कंसेप्ट, हालांकि अभी मैंने उतना डिटेल नहीं बताया आप लोगों को, थोड़ा सा जैसे ही 6 चैप्टर हो जाएगा तो ये जितना इनपुट टैक्स पहले गया ये सब आपके बिल्कुल फटाफट हाँ ये इनपुट टैक्स क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं आपको कि बेटा मान लीजिए आपके बिजनेस का पहला साल है, क्या कहा मैंने, फर्स्ट ईयर है, और फर्स्ट ईयर के अंदर अगर देखे तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ये हो गया और ये करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर तो 0, सही है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 0, करंट ईयर का टर्नओवर आप समझ लीजिए, इसके अंदर करंट ईयर के टर्नओवर के अंदर आप देखेंगे तो यहां पे 20 लाख। अब जैसे मान लीजिए कंपोजिशन स्कीम लेता है कोई आदमी, कंपोजिशन स्कीम मान लीजिए मैं स्टार्टिंग में साल के स्टार्टिंग में मैंने ऑप्ट कर लिया कंपोजिशन स्कीम के लिए कि आई वांट बी अ कंपोजिशन सप्लायर, सप्लायर ऑफ सर्विस, आई विल सप्लाई सर्विस कंपोजिशन। तो मैं अब जो भी सर्विस का बिल बनाऊंगा, मान लीजिए मैंने आपको 50,000 की सर्विस दी,
तो मैं इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, रादर मैं इसके ऊपर 6% मैं पे करूंगा। ठीक है, अगर आप ये स्कीम में नहीं बैठते हो, कंपोजिशन स्कीम में, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने मिलता है, बराबर है। अब मुझे एक चीज बताइए, फर्स्ट ईयर के अंदर इनपुट्स यूज, सर्विस में, देखिए गुड्स में तो इनपुट यूज होते हैं, पर सर्विस में कहां से इनपुट्स यूज होंगे? कोई इनपुट्स यूज नहीं होंगे, छोटे मोटे रहते हैं, बराबर है ना। कोई इनपुट्स ही नहीं है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं रहेगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सारी चीजें हो सकता है आपको समझे, हो सकता है ना समझे, आई एम रिपीटिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो भी भाई सीजीएसटी के अगेंस्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी के अगेंस्ट एसजीएसटी, क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं रहता, आईजीएसटी के लिए पहले आईजीएसटी के लिए यूज कर लो, फिर आइदर सीजीएसटी में या इसमें, ये पूरा मैंने बताया था, मुझे याद है, और ये सिक्स चैप्टर में बेटा फिर से क्लियर हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना इज अ बेनिफिट, जो भी आप इनपुट्स यूज करते हो, आइदर ऑफ इनपुट्स गुड्स, आइदर इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, जिसपे जीएसटी लग के आता है, जो आप बिजनेस में यूज करते हो उस पर जीएसटी का आप क्रेडिट ले सकते हैं, और जब आप उससे आउटपुट्स गुड्स प्रोवाइड करते हो या आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो या आउटवर्ड कुछ भी सेल करते हो, तो बेटा आप उसको क्रेडिट को यूज करते हो, जो जिले की जीएसटी आप कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, उसमें उसको यूज कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा था। अब यहां कुछ क्रेडिट ही नहीं है, यूज करने का तो सवाल ही नहीं उठता, यानी कस्टमर से जो टैक्स लेंगे 18% से, पूरा के पूरा गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट है ही नहीं, और सर्विस प्रोवाइड प्रोफेशनल्स में जनरली इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं रहता है, कम रहता है, गुड्स में तो रहता ही। देखिए सप्लायर ऑफ गुड्स में तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ढेर सारा रहेगा, जो भी रॉ मटेरियल खरीदेगा, चाहे वो ट्रेडर होगा चाहे मैन्युफैक्चरर होगा, पूरा के पूरा जीएसटी लग के माल आता है, उसके बिना तो गुड्स ही नहीं आते, बराबर है। चलिए फॉरगेट ये सारी चीजें, तो हो गया, तो इसीलिए इन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है फर्स्ट ईयर में। आगे कंपोजिशन देखिए छोड़ना आपके हाथ में है, जब चाहे आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर एक बार छोड़ दी तो उस साल नहीं मिलेगी कंपोजिशन स्कीम, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ये सब तो ठीक था बेटा, इन सब में कुछ भी एज सच अलग नहीं था, ये सब चीजें, हाँ, और ये आप कभी भी एक साल फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं, तो मान लो उसके पहले इंटीमेट करना पड़ता है, और ये सारी चीजें बराबर है, ये लोगों को नहीं मिलती, आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई नहीं कर सकते, ये सब बराबर है। सवाल आता था यहां पे, ये सब को तो आप ही पढ़ लीजिए बेटा, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने जैसा नहीं है। क्रक्स कहां है, जो आपको नहीं समझता था वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये है ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ये आपको पक्का नहीं समझते थे, मुझे मालूम है, ठीक है। तो चलिए जरा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। द सीजीएसटी रूल्स 2017 एज एप्लीकेबल टू पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई टू पर्सन पेइंग टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन। जैसा आप कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पेमेंट करते हो सेक्शन 10 वाली, वैसे के वैसे सारे प्रोविजन इस स्कीम को भी अप्लाई होंगे, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस इस नोटिफिकेशन को भी अप्लाई होंगे। नोटिफिकेशन नंबर बोलो बेटा 2/2019, बराबर है, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। जरा लेकिन यहां पे एक देखना, यहां क्लेरिफिकेशन नहीं है बेटा, ये दोनों चीजें थोड़ा आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसमें लिखा है, ध्यान देना बेटा, फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ shall for the purpose of determining eligibility of a person to pay tax under this notification includes the supplies from 1st April of the financial year to the date from which he becomes liable from registration under the said act. आगे और लिखा है, but for the purpose of determination of tax payable under this notification shall not include supplies from 1st day of April of financial year to the date on which he become liable for registration. मुझे मालूम है आपको नहीं समझा, समझाता हूं। अब पहले एक बात ध्यान से सुनना, रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है, आप थोड़ी देर के लिए ऐसा अज्यूम करके चलो 20 लाख ही है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत 20 और 40 वाला है, मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम 7 चैप्टर में देखेंगे रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ध्यान देना बेटा। थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन की 20 लाख रुपए है, यानी 20 लाख तक जब तक आपका टर्नओवर नहीं जाता है तब तक आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर है।
अब ध्यान देना कंपोजिशन लिमिट की बात। कंपोजिशन में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखते हैं, वो अपना 50, अब जैसे यहां नोटिफिकेशन की बात करें तो 50 लाख वाला हिसाब है, ठीक है ना। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई 20 लाख रुपए। अब ये 20 लाख ध्यान में रखना बस। अब मैं एक बार फिर से ये चीज पढ़ता हूं, आप जरा 20 लाख ध्यान रखना। फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस, और अब सर्विस प्रोवाइडर एक आध गुड्स भी बेच रहा होगा तो भी टर्नओवर में दोनों काउंट होता है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर थ्रेशोल्ड कितना बोला मैंने, 20 लाख। टर्नओवर में आप गुड्स बेचो सर्विस बेचो उससे मतलब नहीं है बेटा, रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड दोनों के लिए, चाहे सप्लायर ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लायर ऑफ सर्विस हो, दोनों के लिए थ्रेशोल्ड सेम है, बराबर है 20 लाख टोटल, चाहे गुड्स सर्विस दोनों मिक्स भी बेच रहा हूंगा तो भी। अभी मैं सर्विस की बात कर रहा हूं तो थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं सप्लायर ऑफ सर्विस, तो उसका थ्रेशोल्ड कितना है। फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन, सर वो 50 लाख है, बराबर है। जब तक 50 लाख का टर्नओवर नहीं होता इस नोटिफिकेशन तब तक वो कंपोजिशन में दे सकता है, ठीक है। अब ये गिनेंगे कहां से, इंक्लूड द सप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। मुझे एक बात बताओ, 1 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल कब होगा, रजिस्ट्रेशन के लाइबल सर 20 लाख, बराबर। कहानी समझना, ये 1 अप्रैल है, पिछले साल आपका 0 टर्नओवर था, ये फर्स्ट ईयर है, आप लायबल हो, कंपोजिशन आप ले सकते हो, ठीक है। अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया सर्विस का 30 जून 2020 को, यहां तक आपका टर्नओवर 20 लाख हुआ। अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चीज समझ लो, अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अभी तक आपने लिया नहीं, अब आप रजिस्ट्रेशन में ले रहे हो, कंपोजिशन चाहिए क्या। हाँ, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर कितना था, 50 से कम था, हाँ 0 था सर, तो आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो कंपोजिशन के अंदर। अब आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, अब सवाल ये उठता है कंपोजिशन स्कीम में कब तक बैठे रहेंगे, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स में देखा था जैसे ही 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाता है, जैसे मैंने बताया था 300 करोड़ टर्नओवर है, 300 लाख टर्नओवर है, तो 1.5 करोड़ तक, 150 लाख तक कंपोजिशन रेट, उसके बाद नॉर्मल रेट स्टार्ट हो जाता था, बराबर है ना। तो वैसे ही मैं यहां कहता हूं 6% कंपोजिशन रेट है, तो यहां पे 20 लाख के आगे कब तक, 50 लाख रुपए तक तो कंपोजिशन रहेगा। तो मेरा ये कहना है ये जो 50 लाख तक पहुंचेगा इसमें ये 20 इंक्लूड करूं कि नहीं करूं, कि नहीं 20 प्लस 50 रहेगा सर, 70 पकड़ेंगे, 70 होगा तब तक कंपोजिशन भरेंगे, क्योंकि सर ये 20 लाख तक तो हमने कोई टैक्स भरा ही नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, 20 के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, समझ रहे बात, नहीं समझ रहे, 20 के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ। अब मुझे कंपोजिशन की लिमिट क्या है, 50 लाख तक सर आपको 1% देना है, सॉरी 6% देना है यहां पे, तो मैं 20 प्लस 50 70 करूंगा। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी क्या कहेंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं, 50 लाख टोटल लिमिट है, 50 लाख तक ही आप कंपोजिशन दे सकते हैं टर्नओवर, वो भी एग्रीगेट। ओहो, तो फिर तो ये 20 प्लस 30 ही होगा, यानी 30 लाख पे आप 6% दे सकते, 50 नहीं, ये कन्फ्यूजन हो सकता है ना, तो फिर लिमिट 70 पकड़ूंगी 50, ऐसा जिस जो पहले साल वाले उसके लिए दो लाइन दी है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है, दोनों लाइन के हिसाब से आंसर अलग है, जरा ध्यान देना, ये लाइन कुछ और बोलती है, ये लाइन कुछ और बोलती है, दोनों चीज अलग है। मैं दो व्यू पॉसिबल है बेटा, और एक पे क्लैरिफिकेशन नहीं, मैंने आपको बताया जीएसटी छोटा बच्चा है अभी 2 साल का, तो क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, और एग्जाम में क्या करना है ये भी आपको बता देता हूं, आप नोट लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। वैसे इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आने वाला, इतना डिटेल में नहीं समझता किसी को, ज्यादातर लोगों को, कई टीचर्स को भी नहीं समझता, ये भी आपको बता देता हूं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। एक सेकेंड, हम फिर से पहले लाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना, पहली लाइन जरा ध्यान देना, और फिर मैं एक क्वेश्चन पे आऊंगा ये पढ़ के, और फिर क्वेश्चन के थ्रू आपको दोनों लाइन समझाऊंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने बनाया है अच्छा खासा, मेरा ही एग्जाम्पल है, मैं भी नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था। फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड सर्विस और बोथ, हम या सर्विस की बात कर लेते, ठीक है ना। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन टू पे टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन, इंक्लूड
इस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी के लिए अगर टैक्स देना है, इस नोटिफिकेशन में टैक्स देना है तो कंपोजिशन है कितना देना है, 6% देना है। एलिजिबिलिटी कहां तक है सर? 50 लाख तक है। तो ये एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए इंक्लूड करना है, कौन सी क्या इंक्लूड करना है, सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के 1 तारीख से जो सप्लाई करी वो इंक्लूड करना है, टू द डेट फ्रॉम विच बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन लायबल कब होता है? 20 लाख, मतलब पहले पॉइंट के हिसाब से इंक्लूड करना है, यानी टोटल लिमिट 50 ही रहेगी, 20 प्लस 30। सेकेंड पॉइंट जरा देखना, बट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल, अब 1% 30 का दू कि 50 मिलेगा, अंडर दिस नोटिफिकेशन शेल नॉट इंक्लूड सप्लाईज फ्रॉम 1st डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नहीं वो 20 इंक्लूड नहीं करना, टू द डेट फ्रॉम विच ही बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन। क्लियर कट इसमें लिखा है, टैक्स कैलकुलेशन के लिए नहीं पकड़ना, एलिजिबिलिटी के लिए पकड़ना है। समझ आया नहीं आया? कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, मतलब ये बोलता है 20 प्लस 30 अगर, और ये बोलता है 20 प्लस 50, यानी ये बोलता है 70 तक पहुंचा दो और ये बोलता है कि 50 पे ही रहने दो, हमने क्या मानना सर? दोनों सही है बेटा। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है, और ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वापस इस पे आ जाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग नहीं समझ सकते थे, दैट्स वाई मैंने, मेरे को अचानक ध्यान आया, अरे मैं बोला इनको मैंने बोल तो दिया है, लेकिन ये लास्ट के 2 लाइन ये पढ़ के छोड़ देंगे, इनको समझेगा ही नहीं, क्योंकि बाकी पूरा सेम है, बाकी पूरा सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो 2 चीज है ये इस नोटिफिकेशन में डाली हुई है, तो अब उसका क्या करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन आप पॉज कर लेना और इसको नोट कर लेना अपने बुक में ही, और इसका सॉल्यूशन अभी मैं आपको बताता हूं। एक बार हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, सॉल्यूशन अगले पे यहां भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर निखिल ऑफ नागपुर प्रोवाइडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज, मैं चार्टर्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा, ही स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम 1/4/2020, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट 8 साल पहले बन गया था, लेकिन इमेजिन कर लो कि 1/4/20 से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑन एंड ही डज नॉट टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST अप टू 20 लाख, 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेगा क्या? नहीं, क्यों लूंगा सर? बिल्कुल नहीं लूंगा, काहे काहे लूंगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेक्शन 22, 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेना जरूरत ही नहीं, और मैं नहीं लेता, और 30 जून को इसी साल मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो जाता है, अब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ, 20 लाख जैसे ही क्रॉस होता है, रजिस्ट्रेशन 7 चैप्टर में आएगा, अभी बता देता बेटा, जैसे ही 20 लाख क्रॉस होता है आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर क्वार्टर सेकेंड, ये फर्स्ट क्वार्टर देखिए, अब देखिए क्वार्टर का हिसाब लगा रहा हूं मैं, 30 जून अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर हो गया ये, ठीक है, यानी 1 अप्रैल टू 30 जून ये फर्स्ट क्वार्टर है। और बेटा एक चीज और, इस क्वार्टर में आपकी टर्नओवर कितना है? 20 लाख। क्या आपने रजिस्ट्रेशन लिया था? ना। अब आप 30 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन लोगे, 30 तारीख के बाद अब आपने रजिस्ट्रेशन लिया, ठीक है, अब आपका जो टर्नओवर है ना सेकेंड क्वार्टर का, कब तक, सॉरी 1/7 से 30/9 तक, सितंबर तक, यहां लिख देता हूं मैं 30/9, तो ये जो आपका टर्नओवर है ये 50 लाख का हो जाता है। मैं एग्जांपल जान पूछ के ऐसा ले रहा हूं, कट टू कट ले रहा, आप ज्यादा कम ले सकते हैं, लेकिन कट टू कट क्यों ले रहा, समझाने के लिए, बाकी कोई कारण नहीं, ठीक है। अब टर्नओवर 50 लाख, सेकेंड क्वार्टर का टर्नओवर, सिर्फ सेकेंड क्वार्टर का टर्नओवर 50 लाख है, चीज समझ लो, ठीक है। अब स्टेट वेदर, आपसे 2 सवाल पूछे हैं, स्टेट वेदर ही कैन ऑप्ट टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट स्पेसिफाइड, हाँ ऑफ कोर्स, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, ये है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 50 से कम था, हाँ बिल्कुल है, क्या आप कंपोजिशन ले सकते हो? हाँ यस ले सकते हो, ऑल्सो डिटरमाइन द टैक्स पेबल, ओके, लेकिन अब कंपोजिशन कहां से कहां तक ले सकते हो, सवाल ये भी उठेगा, चलिए ठीक है, तो इसको थोड़ा देखते हैं बेटा। अब मैं दोनों व्यू से चल रहा हूं, ठीक है, मैं यहां लिखूंगा फर्स्ट व्यू, ध्यान देना, दोनों क्वार्टर का जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन, आपको जीएसटी कितना भरना है,
कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी फॉर बोथ क्वार्टर्स। अब यहां पे आप चाहो तो एक बना सकते हैं, ये देखिए, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये टर्नओवर सीजी दी, एक सेकेंड, पर्टिकुलर्स, टोटल टर्नओवर, जीएसटी, और ये जीएसटी दो पार्ट में बांटता है, सीजीएसटी एसजीएसटी, बराबर है। आईजीएसटी का लफड़ा यहाँ नहीं रहता, क्यों नहीं रहता सर? इंटरस्टेट सप्लाई अलाउड ही नहीं है, काम खत्म, तो आईजीएसटी आने का सवाल ही नहीं उठता। आई होप समझ में आई बात, ठीक है बेटा? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? फर्स्ट व्यू के हिसाब से चलिए मुझे बताइए, सबसे पहले 1 अप्रैल से पहले क्वार्टर की बात करूंगा, ठीक है ना बेटा? पहला 1 अप्रैल टू 30 जून आपका टर्नओवर कितना था? सर 20 लाख का टर्नओवर था। बोलो को जीएसटी भरा? ना ना, सवाल ही नहीं उठता, रजिस्ट्रेशन नहीं था, काय का जीएसटी। सेकेंड क्वार्टर रिमेनिंग नोटिफिकेशन नंबर 219 के हिसाब से कितना बोलिए? 20-30 लाख जीएसटी रहेगा 1%, और ये अप टू 30 सितंबर की बात कर रहा हूं मैं, 30 सितंबर ये पूरा, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट भी आ जाएगा इसके अंदर, टर्नओवर इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, टोटल 70 था, 70 में से 50 गया, 20 बचा। अब होगा क्या बेटा, इस 30 लाख पे 1%, 1% 30 लाख का कितना, सॉरी 6%, 6% भूल गया, 30 लाख का 6% कितना होता? 1,80,000, 1,80,000 का आधा आधा 90,000, 90,000, ठीक है? लेकिन बचे 20 लाख पे कितना भरना पड़ेगा? बचे 20 लाख के ऊपर भरना पड़ेगा आपका ये 18%, 18% जीएसटी रेट है, यानी ये हो जाएगा 1,80,000, और ये हो जाएगा 1,80,000। ये एक व्यू है, अगर सिर्फ पहली लाइन पढ़े तो क्या लिखा है, फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड सर्विस और बोथ शेल फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन अंडर दिस नोटिफिकेशन। एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए क्या है, 50 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। वो 50 लाख में आपको इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, सप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ फ्रॉम विच ही इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन। तो वो 50 लाख में 1 तारीख से लेकर रजिस्ट्रेशन कब लायबल होता है सर, जब तक 20 लाख नहीं होता, तो ये 50 लाख में 20 लाख इंक्लूड करना है, ऐसा ये पहली लाइन बोल रही है, बराबर? मतलब इसका क्या हुआ, अगर इसके हिसाब से सिर्फ इतना ही पढ़ू मैं, सिर्फ इतना ही पढ़ू, तो इसका मतलब ये होता है 50 अगर इसमें इंक्लूड हो गया तो 50 लाख तक आपको 1.6% भरना है, और उसके बाद 18% की गाड़ी शुरू हो जाएंगी। तो भैया अगले क्वार्टर में जो 30 सितंबर का क्वार्टर वाले में 50 लाख का टर्नओवर हुआ, उसमें से 30 लाख जाएगा 6% में, मैं लिख देता हूं यहां पे, 30 लाख जाएगा एट द रेट 6%, और ये जाएगा एट द रेट 18%, ठीक है, बराबर है, ये व्यू है इस हिसाब से। बट लेकिन यहां साफ साफ एक चीज और लिखी है, बट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स पेबल अंडर दिस नोटिफिकेशन, टैक्स निकालने के लिए, सिर्फ टैक्स निकालने के लिए ये कहा गया है, अगर टैक्स निकालना है तो इट शेल नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करेगा सर, सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर टू द डेट फ्रॉम विच इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन। मतलब 20 लाख इंक्लूड नहीं करना है, समझ आई बात? क्या इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड, देखिए यहां पे लिखा है इंक्लूड और यहां लिखा है शेल नॉट इंक्लूड सप्लाईज फ्रॉम वही 1st डे, यानी ये जो 20 लाख है इसको इंक्लूड मत करो, मंजे काय, मंजे ये 50 अलग मिलेगा। यानी अब अगर सेकेंड व्यू के हिसाब से आप सॉल्व करना चाहते हो तो बताओ, 1/4 से 30 जून तक 20 लाख टर्नओवर है उस पे नो जीएसटी, फिर 1/7 से
39 तक 50 लाख हो गया टर्नओवर, उस पे 6% जीएसटी, कितना होगा 3 लाख, डेढ़ सीजीएसटी डेढ़ एसजीएसटी। आगे का क्या, आगे का कुछ नहीं, आगे जो भी अगर रहेगा तो उस पर एट 18%। आप कौन सा व्यू लेना चाहोगे सर? सेकंड वाला अच्छा लग रहा है हमारे हिसाब से। देखो ना टैक्स कब आ रहा है ना सर, 3 ही लाख आएगा ना टैक्स टोटल, और फर्स्ट केस में कितना आ गया टैक्स, 3,60,000 प्लस 1,80 यानी 5,40,000 टैक्स आ गया। ओहो काय को देंगे इतना, समझ आई बात? गवर्नमेंट नहीं बोला है ना टैक्स कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए बेटा, कुछ ऑथर बोलते हैं ऐसा करो, कुछ ऑथर बोलते हैं ऐसा करो, मैं एज अ ऑथर एग्जाम में ये सेकेंड व्यू सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यह सेकेंड लाइन में साफ साफ लिखा है बट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स पेबल डिटर्मिनेशन। टैक्स पेबल डिटर्मिनेशन आपको ऐसा करना है, तो फिर से ये लिखने का कारण क्या, मिस्टेक है ना? हाँ मिस्टेक तो है, फिर ये ऊपर की लाइन लिखा ही काहे के लिए फालतू, या नीचे का नहीं लिखता या ऊपर का नहीं लिखता, सही है नहीं है? छोट मेरा नया लॉ है जीएसटी, छोटे बच्चे तो गलती करेंगे ही नहीं करेंगे, समझ आई बात? ठीक है, बस ये चीज आप नहीं समझ सकते थे, मुझे पता था, इस वजह से मैंने ये सब बनाया और आपको लिए छोड़ दिया, बताना भूल गया बेटा उस लेक्चर में, मुझे ध्यान था लेकिन शायद 2.25 घंटे हो रहे थे, दैट्स वाई मेरे स्किप हो गया ध्यान से, कि बस ये मत पढ़ना, बताने वाला था 2 लाइन, अब आप समझ गए। चलिए तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब अपन पढ़ेंगे बेटा 9th सॉरी 4th चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, बहुत इजी चैप्टर है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। इस चैप्टर का नाम है एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। क्या नाम है? एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, पहले दो, इसमें जीएसटी जो भी आपने देखा अभी, सप्लाई है, लेवी है, कंपोजिट मिक्स्ड है, कंपोजिशन है, जो भी है, इसके अंदर जो नाम लिखा है उसको सबको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, और वो भी आपको बता दूं गुड्स का एग्जेम्पशन आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने दिया, देखिए एग्जेम्पशन किसको मिलेगा? एग्जेम्पशन देखिए मैं क्लास से उसी को निकाल सकता हूँ कि मेरा स्टूडेंट है, अगर कोई क्लास में ही नहीं आया तो निकालूंगा कैसे? वैसे ही एग्जेम्पशन उसी को मिलेगा जो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है इसीलिए टैक्स लगता है, इसलिए हम भैया उसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, जाओ टैक्स माफ। क्या किया हमने? टैक्स माफ कर दिया, बराबर है ना? तो एग्जेम्प्शन फ्रॉम जीएसटी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन आता ही है, कभी कभी मिक्स करते हैं लेकिन जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। आपके नॉलेज के लिए मैंने इस बुक में हर तरह के एग्जेम्पशन सर्विस पे क्वेश्चन दिया है, और मैं पढ़ाऊंगा भी आपको ऐसे ही, जो जो सर्विस पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चंस करते जाएंगे हम, जो सर्विस किया क्वेश्चन किया, सर्विस किया क्वेश्चन किया, क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी आज हम इतने क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है इस लेक्चर में मैं एक आध क्वेश्चन ना कराऊं आपको, या बाद में कराऊं, कुछ कारण होगा उसका, उसका टेंशन मत ले सर, पहले सेकंड क्यों ले रहे, फर्स्ट क्यों नहीं ले रहे, तो बेटा उसको कुछ कारण रहेगा, तो आप उस टेंशन मत लेना उस चीज का, क्योंकि मैंने इस चैप्टर के अंदर नोट्स में सीधा सीधा एंट्री, इसमें बेटा एंट्रीज है, एंट्री नंबर 1 से लेके आगे तक है 1995 तक जो भी एंट्रीज है, तो मैंने 1 2 3 4 ऐसा अरेंज नहीं किया असेंडिंग ऑर्डर में, मैंने जिसकी जरूरत जहां है वहां डाला है, यानी एंट्री नंबर 6 के साथ 15 के साथ 30 कैसे आया वो जाने दो, आप समझ जाओगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सबको एक में डाला, हेल्थ केयर से रिलेटेड है एक में डाला, गवर्नमेंट से रिलेटेड है एक में डाला, भले ही एंट्री नंबर बहुत अलग अलग दिए हुए हैं तो भी मैंने उन सबको एक एक ढांचे में डाला है, और साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया काम जो किया है, आप नोट्स के अंदर आप देख के खुश हो जाओगे, सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने 32 क्वेश्चंस डाले हैं जिसमें पास एग्जाम क्वेश्चंस भी इंक्लूड है, ये 32 क्वेश्चंस हर तरह के एग्जेम्पशंस के क्वेश्चन इसमें आ गए, जितने एग्जेम्पशंस है उन सबका थ्योरेटिकल पार्ट, उसके उसका क्वेश्चन पार्ट। अब ये आप सोचोगे सर सॉल्व है तो आप घर हमको बोलोगे करने का, ना एक लेक्चर पूरा 2 घंटे का ज्यादा लगने वाला है मुझे पता है, लेकिन मैं 32 क्वेश्चन एक साथ नहीं लूंगा, जैसे जैसे सर्विस कराया वैसे वैसे उसका क्वेश्चन हम लेते जाएंगे, आप समझ रहे मेरी बात, जैसे जैसे सर्विस हुई वैसे वैसे उसका क्वेश्चन लेते जाऊंगा मैं, ठीक है ना बेटा? और तो हमारा क्या होगा, आज टोटल 4 लेक्चर हमको एग्जिबिशन के लिए लगेंगे,
9, 10, 11, 12 टोटल 4 लेक्चर्स, और हर लेक्चर में करीब आप समझ लीजिए 8-8 क्वेश्चंस होंगे, 7-8, 7-8, 9, 7-8, 9 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो सर्विस पढ़े उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, तो चारों लेक्चर में हमारे 32 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे और पूरा हमारी सर्विसेज पढ़ के भी कंप्लीट हो जाएगा डिटेल में। ये बुक के अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के लिए कुछ देखने की जरूरत नहीं, बेटा इतने अच्छे से कवर किया है बुक के अंदर एक एक चीज, आप खुद जिसके हाथ में बुक आ गई है वैसे ही बहुत खुश हो गया होगा अभी तक सर। प्रॉपर टेबुलर फॉर्म चार्ट्स में आप लोगों को बनाते रहूंगा, क्लास में भी आपने देखा होगा हमने चार्ट्स बनवाना स्टार्ट कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स में चार्ट्स में मजा आता है और काफी कुछ चार्ट्स बन सकते पॉसिबल रहता है, डायरेक्ट टैक्स में भी रहता है लेकिन उतना मजा नहीं आता चार्ट, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का स्कोप बहुत है, इनडायरेक्ट टैक्स का स्कोप लिमिटेड है, ठीक है ना। और यह क्वेश्चन भी पूरा इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ के नहीं आता कि एग्जेम्पशन भी आ गया वैल्यूएशन भी डाल दिया, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे जैसे फुल फ्लेज क्वेश्चन जो मैं कहता हूँ आपको जो डायरेक्ट टैक्स में बनते हैं वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है ना बेटा। तो अभी अपन इसके अंदर देखा जाए तो 32 क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दिया हम कैसे पढ़ेंगे। दूसरा, आपको ये देख के अच्छा लगेगा कि मैंने आप लोगों के लिए इसके अंदर हर बात जैसे ही कंप्लीट होती है कोई सर्विस, मान लीजिए लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशन, पहली सर्विस चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, बेटा देश में चैरिटेबल रिलीजियस को तो पहले छूट देनी पड़ती है, तो उसके बाद जैसी खत्म हुई इसका सर्विस चैरिटेबल रिलीजियस, ये इसके बारे में समरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस जैसे ही कंप्लीट हुई समरी, ये देख लीजिए ऐसे मैंने सब जगह समरी समरी, ये समरी हर जगह डाल दी है, यानी अगर आप सेल्फ नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, जिनको नई आदत में बैठा हूं उनके लिए आप ये समरी को ही अपडेट कर सकते थोड़ा बहुत, समरी आपको हर इसमें दिखेंगी, हर सर्विस के बाद उसका समराइज्ड पार्ट आपको दिखेगा, आई बात समझ में। तो ये मैंने एक इसके अंदर किया है क्योंकि इसमें बहुत सारी सर्विसेज है, अभी थोड़ा कॉमन सेंस से रिलेटेड भी है तो कॉमन सेंस को साथ में रखते हुए पढ़ना है, एकदम टेक्निकली टेक्निकली तो ठीक है भाई, अब रिलीजियस को थोड़ा कॉमन सेंस चलो सोच के देखिए, रिलीजियस रिलीजियस पे जीएसटी लगाएंगे क्या, आप ही सोचो, हिंदुस्तान में सब कुछ हो सकता है सिर्फ भगवान के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के नाम पे टैक्स नहीं लिया जाता, अगर भगवान के नाम पे टैक्स लेंगे तो गवर्नमेंट ही नहीं दिखेगी, सही बात है नहीं है, तो वैसे ही मतलब अब ये कॉमन सेंस वाली बात। अब हॉस्पिटल सर्विस, हॉस्पिटल पे जीएसटी लगाएंगे क्या बेटा, आप सोचिए, तो उन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है, एग्जेम्प्ट उसी को करते हैं जिस जो टैक्सेबल रहता है, टैक्सेबल की डेफिनेशन क्या है, द सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस, गुड्स क्या होते पढ़ाया, सर्विस क्या होती पढ़ाया, सप्लाई क्या होता पढ़ाया, हर तरह के गुड्स उसमें डाल दिए, पहले चार्ज क्रिएट करो फिर एग्जेम्पशन दो, सीधी बात, पहले लेवी चार्ज लगाओ फिर एग्जेम्पशन, लेवी सप्लाई एग्जेम्पशन, लेवी सप्लाई एग्जेम्पशन, लेवी सेक्शन 9 में लिखा है, सप्लाई सेक्शन 7 और 8 में लिखा है, एक कंपोजिशन तो अलग है सेक्शन, और उसके बाद ये जो है ये वाया नोटिफिकेशन है, वाया नोटिफिकेशन एक, अब पहले बेटा सर्विस टैक्स में भी था मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, उसी का वहीं से बोरो हुआ है ये, मतलब वहीं से लिया गया है ये जीएसटी में, ठीक है ना, मैंने नहीं लिया गवर्नमेंट ने लिया, ठीक है, पहले मैं जब पढ़ाता था इनडायरेक्ट टैक्सेशन एक्साइज कस्टम्स और सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स में भी ये सेम मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन था, थोड़ा रूप रंग बदल गया बाकी कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे और कुछ सर्विसेस हम आज करेंगे, कुछ सर्विसेस बाद में, जैसे जैसे हमको जमेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो चैप्टर 4 exemptions from GST, power to grant exemption from GST, section 11 of CGST Act और section 6 of IGST Act के अंदर ये power दिया गया है, ठीक है ना। तो section 11 subsection, ये कोई काम का नहीं आपको बता देता, 11, 1, 2, 3 कोई विशेष काम के नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर समझना है तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जरूर बता दूंगा इसके रिलेटेड। बेटा ये जो है सेक्शन 11(1) में, इसमें जनरल एग्जेम्पशन है, क्या है जनरली एग्जेम्प्ट, ये देखिए क्या है सर जनरली एग्जेम्प्ट, तो इसको अगर मैं बोलूंगा ना तो ये जनरल एग्जेम्पशन, जनरली एग्जेम्प्ट यानी सबको मिलेगा, बाबा का प्रसाद है सबको मिलेगा,
सबको मिलता है। तो ये क्या होगा, मे और मे नॉट, ये है बाय स्पेशल ऑर्डर, यानी ये है स्पेसिफिक, स्पेशल स्पेशल एग्जेम्पशन। स्पेशल प्रसाद सबको मिलता है क्या? नहीं सर, सबको नहीं मिलता, पर्टिकुलर पर्सन को ही मिलता, यानी वीआईपी को ही मिलता। अब यहाँ पे वीआईपी नहीं है, मतलब बाबा का प्रसाद जैसे स्पेशल प्रसाद वीआईपी को मिलता है ना, वैसे ये भी वीआईपी इसको मिलता, वीआईपी नहीं बोल सकते, पर्टिकुलर पर्सन को मिलेगा, पर्टिकुलर पर्सन को मिलता। समझ आ गई बात? ठीक है, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। द गवर्नमेंट में जनरली एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, आइदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड। हाँ, ये दो वर्ड जरा काम के हैं, एक 5 मिनट में इस पे आता हूं, पहले पढ़ लेना, आपके दिमाग में नहीं चला होगा ये। होली पार्टली विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन, ठीक है, एग्जेम्पशन देंगे, क्या बड़ी बात कर दी सर? बेटा ये दोनों वर्ड में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ये दो वर्ड में कहीं झगड़े हुए हैं तो गवर्नमेंट ने फिर फाइनल किया है, ठीक है ना। झगड़े क्यों हुए क्या हुए रीजन नहीं बताऊंगा, लेकिन वर्ड का मतलब जरूर बता दूंगा, क्योंकि झगड़े क्यों हुए क्या हुए ये बताने जाऊंगा तो बेटा बहुत टाइम लगेगा और आपके इससे कोई दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सीए फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ाता था, तो इस पे बहुत झगड़े पहले होते थे, ठीक है ना, मतलब मेरे स्टूडेंट्स के नहीं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के केसेस वगैरह बहुत होते थे। तो अभी तो जीएसटी नया लॉ, अभी तो केसेस पे आया ही कहाँ है, कुछ जजमेंट वगैरह ज्यादा आए नहीं है, बराबर है ना। ये तो केस लॉज भी आपके फाइनल के सिलेबस में रहते हैं, ना डीटी में ना जीएसटी में, अभी फिलहाल इंटर लेवल पे केस लॉज नहीं है, फाइनल लेवल पे जब आप आओगे तो केस लॉज रहते, और आप जब तक फाइनल दोगे तब तक तो जजमेंट्स आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, आप लोगों को केस लॉज पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो, फाइनल पे भी। वेर एवर द गवर्नमेंट फील्स, हाँ ये 11(3) देख लो थोड़ा सा, गवर्नमेंट इसमें है क्या बता देता हूं, जहां गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कोई ये नोटिफिकेशन में, गवर्नमेंट जब चाहे एक्सप्लेनेशन डाल सकती, क्या है एक्सप्लेनेशन, सो अब एक्सप्लेनेशन इंसर्ट होता है तो इसका मतलब पता है क्या है, रिट्रोस्पेक्टिवली उसका इफेक्ट होगा। मान लीजिए नोटिफिकेशन आया 1/4/2019 को और 31/12/2019 को उसमें गवर्नमेंट एक एक्सप्लेनेशन डालती है, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है ये चीज पहले से थी, हम आपको सिर्फ समझा रहे कि ऐसा है। तो इसका मतलब नोटिफिकेशन कब आया, 1/4 को, एक्सप्लेनेशन, लोगों को कंफ्यूजन था, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज एक्सप्लेन्ड। तो क्या एक्सप्लेनेशन नया इंसर्ट हुआ क्या? नहीं सर, नया इंसर्ट नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये उस दिन भी था, लोगों को समझ नहीं रहा था, हमने आपको आज समझाया, आज यानी 31/12 को समझाया है, मतलब ये समझाया, ये पहले भी था ना, इसीलिए एक्सप्लेनेशन अगर आज है और उससे अगर कुछ गलती हुई होगी आपसे तो उसका इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव होगा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, आई होप आपको समझता है, पहले से एक होता है प्रोस्पेक्टिव यानी आज से, एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव यानी जब से लॉ आया था तब से, आई बात समझ में, तो जब से नोटिफिकेशन आया तब से, एक्सप्लेनेशन अगर आता है कोई भी तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, जब से नोटिफिकेशन आया तब से, क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम नया ऐड नहीं कर रहे, मतलब वो पहले भी था, हम आपको समझा रहे कि ऐसा करना है, आप समझे नहीं थे, दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन टू दैट, आई बात समझ में। चलिए ठीक है, अब गुड्स का एग्जेम्पशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है तो मॉड्यूल में था, दैट्स व्हाई मैंने ले लिया इसके अंदर। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैव बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 11(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट या सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जनरली अंडर जीएसटी एवरीडे आइटम्स यूज्ड बाय कॉमन मैन हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड आइटम्स। आइटम्स सच एज अनब्रांडेड आटा, मैदा, बेसन, अनपैक्ड फ्रूट ग्रेन्स, मिल्क, एग्स, कर्ड, लस्सी, फ्रेश वेजिटेबल्स अमॉन्ग दीज आइटम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ये सब चीजों पे जीएसटी नहीं लगाया जा सकता, समझे जैसी बात है, बराबर है। और यहाँ फोटो वोटो भी दी है, इस पर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये गुड्स का है, सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, काम का हमारा ये सीए फाइनल में पढ़ने मिलेगा, हमारे सिलेबस में क्या है ये,
ये क्या है सर, लिस्ट ऑफ सर्विस एग्जेम फ्रॉम टैक्स, यानी सर्विस का एग्जेम्पशन आप लोगों के सिलेबस के अंदर आता है। तो भैया नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जब से जीएसटी आया था, 12वां नंबर एक नोटिफिकेशन लाया गया 28/6/2017 को, इसको नोटिफिकेशन मैं द नोटिफिकेशन ही बोलूंगा आज के बाद, और इसमें एग्जेम्पशन दिए गए, और इसमें जो जो एग्जेम्पशन है हर एंट्री एंट्री वाइज है, जैसे एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4, 2A, 2D, 9A, 9B इस टाइप की एंट्रीज है, अब वो अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं ग्रुप वाइज बात करूंगा। ग्रुप वाइज मतलब जैसे चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी, तो इसके अंदर जो जो एंट्री है, भले ही वो एंट्री नंबर 1 हो, एंट्री नंबर 60 हो, एंट्री नंबर 13 हो, तो वो सब मैंने यहां ले लिया। आई बात समझ में? इस टाइप से मैंने काम किया है, जैसे चैरिटेबल 66 नंबर एंट्री, 60 हो गई, 13 नंबर वगैरह भी, हाँ एग्रीकल्चर 24 भी है, 24 ए भी है, 53 ए भी है, 54 भी है, तो सीरियल वाइज यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे मैंने यहां नहीं डाला है। कुछ टीचर्स ऐसा भी करते हैं एक से लेके, लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफी है वैसा पढ़ाना। वैसा पढ़ाने से क्या होगा, एक आएगा एग्रीकल्चर का, एक आएगा हेल्थ का, एक एंट्री आएंगी कंस्ट्रक्शन की, एक एंट्री आएंगी लीगल सर्विसेज की, एक एंट्री आएंगी भलती। अब इसमें क्या होता है, मैंने इस टाइप से अरेंज करने से, मॉड्यूल में भी एक तो ऐसे ही अरेंज्ड है नंबर वन, सेकंड इस टाइप को अरेंज करने से क्या होता है कि भैया अभी हम चैरिटेबल की बात कर रहे हैं, चैरिटेबल की सारी जितनी एंट्रीज है सब एक जगह, हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी एंट्रीज एक जगह, हम हेल्थ केयर की बात करें हेल्थ केयर से रिलेटेड सारी एंट्री 8, 10, 15 जो भी होंगी सब एक जगह, और सब हम एक साथ पढ़ के एक साथ समझ लेंगे, काम खत्म। ये क्वेश्चन भी जो आते हैं वो एंट्रीज पे आते हैं, एंट्री बेस्ड रहते हैं, तो इसीलिए वो बहुत बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो आप लोग को मुझ पर भरोसा है, मुझे मालूम है, तो इसीलिए मैंने उस टाइप से डाला। और सबसे पहली एंट्री है हमारा चैरिटी सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। चैरिटी पे कभी टैक्स नहीं लगाते जीएसटी, रिलीजियस एक्टिविटी पे नहीं। लेकिन सर चैरिटी रिलीजियस क्या कुछ भी चेक किया, मैंने बोला मैंने दान दिया तो चैरिटी हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, इसकी बकायदा बेटा डेफिनेशन है, ठीक है ना। अरे हाँ एक चीज बताना भूल गया, मैंने आपको बोला था ये एब्सोल्यूट और ये कंडीशन मैं बताऊंगा, है ना, या सब्जेक्ट टू कंडीशन, ठीक है। अब देख एक चीज समझना बेटा, आज एक चीज नोट कर लीजिए, ये पहले के जीएसटी लॉ में भी था, है ना, तो ये मैं लिखता हूं आप लोग नोट करना। दो तरह के एग्जेम्पशंस रहते थे, दो तरह के, एक रहता था एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन, क्या रहता था एब्सोल्यूट, और एक रहता था कंडीशनल। एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन मतलब विदाउट एनी कंडीशन, और कंडीशनल मतलब यू हैव टू सेटिस्फाई सम कंडीशंस रिलेटेड टू दैट नोटिफिकेशन, मतलब जो भी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो भी कंडीशंस रहेंगे आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सेटिस्फाई सम कंडीशंस, है ना, आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे एक चीज बता दो बस, कॉमन सेंस है जितना आपको कॉमन सेंस है, एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन में कोई कंडीशन नहीं है, क्या ये एग्जेम्पशन आपके लिए, आप टैक्सेबल पर्सन हो, आपके लिए लेना कंपलसरी है क्या? सर एग्जेम्पशन कौन छोड़ेगा, नहीं कभी कभी छोड़ते हैं एग्जेम्पशन, क्योंकि अगर एग्जेम गुड सप्लाई करते हैं ना तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है ना वो नहीं मिलता, मालूम है कि ये चीज आपको, जब भी एग्जेम गुड सप्लाई करें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता विदाउट कंडीशन। एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक और चीज बताता हूं, अगर गवर्नमेंट ने एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन दिया है बिना किसी कंडीशन के, इसका मतलब ये होता है कि आपको एग्जेम्पशन लेना ही पड़ेगा। हमने कहा कंडीशन दिए, तो आपको कुछ भी कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ भी कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू टेक, ये बाय डिफॉल्ट आपको अवेलेबल है। और कंडीशनल में कुछ तो भी कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसके बिना आप ये एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, यू हैव टू फुलफिल सम कंडीशंस। तो कंडीशन फुलफिल करूंगा तो लूंगा, नहीं चाहिए एग्जेम्पशन तो नहीं करता कंडीशन फुलफिल, मेरी मर्जी। तो ध्यान रखना एग्जेम्पशन अगर एब्सोल्यूट है
तो ये कंपलसरी PU होता है ना, PU, अरे जान स्पेलिंग की तकलीफ है बेटा बस। कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, जैसा गो लेना पड़ेगा, और अगर कंडीशंस कंडीशनल है तो नॉट कंपलसरी। मतलब अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो कंडीशन पूरी करो और एग्जेम्पशन ले लो, और अगर एग्जेम्पशन नहीं चाहिए तो कंडीशन पूरा मत करो, आपकी मर्जी है ना, दोनों हाथ में लड्डू है, समझ आए? ये बेटा एक थंब रूल बोलता है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलिए तो आगे चलेंगे, अब मैं आता हूं एक इस पे, ये हो गया आपका, ये पढ़ा दिया। हाँ चैरिटेबल, पहली पहली, अभी हम इसके अंदर जो भी दिए पूरा आपके बेटा, और कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना मॉड्यूल ना ये ना वो, कुछ नहीं, बेस्ट से बेस्ट तरीके से यहाँ सब कुछ कवर्ड है, चार्ट फॉर्म में, कुछ चार्ट जहां जरूरत रहेंगे मैं चार्ट बनवाऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर्ड है, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं जाएगी। आज हम लोग ये चैरिटेबल ट्रस्ट वाली एक्टिव सर्विस कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो एग्रीकल्चर सर्विस भी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये तो कंप्लीट 100% हमारा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सर्विस रिलेटेड टू, पहली स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, पहली हेडिंग, पहले हेडिंग वाइज बात करूंगा मैं आपसे, एंट्री वाइज अपन बात नहीं करेंगे। अच्छा एंट्री नंबर याद रखना क्या सर? या रहा तो अच्छी बात, नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई याद रखने के लिए बाकी चीजें कम है क्या बेटा? ऐसे कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है एंट्री नंबर याद रखने की, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्पेसिफिक सर्विस एग्जाम फ्रॉम सी, सॉरी, सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। चैरिटेबल रिलीजियस वर्ड का मतलब आपको पता ही है, ये है एंट्री नंबर वन के अंदर, ध्यान देना। एंट्री नंबर वन ऑफ द नोटिफिकेशन, एग्जाम सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। ये जितनी भी चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट रहती है, आपको एक चीज बता दूं, ये सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड रहती है, उसी को चैरिटेबल ट्रस्ट कहा जाता है, उसी को रिलीजियस ट्रस्ट कहा जाता है। अगर चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, छोटा मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट नहीं कहा जाएगा, और अगर उसको चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट नहीं कहा जाएगा तो एंट्री नंबर वन के अंदर वो एग्जेम्पशन के लिए फिट नहीं बैठेगा। दैट मींस अगर आपको एंट्री नंबर वन में एग्जेम्पशन चाहिए तो चाहिए आपको कि चैरिटेबल ट्रस्ट आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए या रिलीजियस ट्रस्ट आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सीधी सी बात है, कहां रजिस्टर्ड? सर इनकम टैक्स एक्ट में होती है, सेक्शन 12AA। सर हमको तो आपने पढ़ाया नहीं बेटा, सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल लेवल पे इसका एक पूरा चैप्टर है और बड़ा मस्त तरीके से समझाया हुआ है, और सीए फाइनल में से क्वेश्चंस भी आते हैं, सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 13 तक पूरा इसमें कवर्ड होता है, ठीक है ना? चलिए तो अभी हमारे का हमको क्या करना है सर ये बताइए, आपको कुछ नहीं करना है। 10 इसका मतलब क्या हुआ? इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशन, अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए इस एंट्री में, दो कंडीशन पूरी करनी है। कंडीशन टू कौन सी? एंटिटी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड एंटिटी मस्ट कैरीड आउट वन ऑफ द मोर स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटी। एंटिटी रजिस्ट्रेशन होने से काम नहीं चलेगा, एंटिटी को रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चैरिटेबल एक्टिविटीज भी करनी होगी। तो कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटीज? द टर्म चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या? ध्यान देंगे, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो बेटा क्या होता है ये, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको बता देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा जो भी हिंदी में, आप एक बार इसको ध्यान में रखना है आपको, बाकी ऐसा कोई इसके अंदर बहुत तो वो झंडे गाड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है? बिफोर प्रोसीड सॉरी पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और कंसल्टिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विद सीवियर फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी, पर्सन एफिलिक्टेड विथ HIV और एड्स, पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल। या देखो अब क्या ये पब्लिक सर्विस बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, चीज समझ ले रहा, ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट वो हेल्थ सर्विस में जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? या तो उनकी केयर कर रहे हैं या काउंसलिंग कर रहे हैं। अब जैसे कोई दारू पीता है, उसको समझा रहे बेटा क्यों दारू पी रहा, तेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, टोबैको क्यों देख रहा, कैंसर सॉरी टोबैको क्यों खा रहा, कैंसर हो जाएगा उसको, फिर किसकी कसम उसकी कसम देके उससे छुड़वाना, ये काउंसलिंग है। केयर करना,
उन लोगों की काउंसिल, ये दोनों चीज चैरिटेबल एक्टिविटीज में आती है, बराबर है। पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, डेंगू नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना, पब्लिक को अवेयर करना, फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयर करना, एचआईवी के लिए अवेयर करना, ये प्रिवेंशन, ये भी चैरिटेबल एक्टिविटीज में आती है। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, इसको बढ़ाना, भगवान के उत्सव करना, स्पिरिचुअलिटी, योगा, उसके एडवांसमेंट के लिए कुछ करना, चैरिटेबल एक्टिविटीज है। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड टू अबेंडेंट ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन, इनके लिए कोई एजुकेशनल प्रोग्राम करना, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कोई प्रोग्राम करना, अबेंडेंट ऑर्फन या होमलेस चिल्ड्रन के लिए, फिजिकल या मेंटली अब्यूज चिल्ड्रन के लिए, या ट्रोमेटाइज पर्सन जिनको ट्रॉमा रहता है, प्रिजनर्स के लिए, कैदियों के लिए, या पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, गांव के बुजुर्गों के लिए। कुछ तो भी ऐसा आपने किया तो उसको भी हम चैरिटेबल मानेंगे, अच्छी बात है, अपने बाप का क्या जा रहा मानने दो, ठीक है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रिजर्व करना, ये भी अच्छी बात है, इट इज ऑल्सो अ चैरिटेबल एक्टिविटी। देयर कुड बी मैनी अदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट विच आर नॉट कवर्ड बाय डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी, हेंस सच सर्विस वुड अट्रैक्ट जीएसटी। ओ माई गॉड, इसके अलावा जो भी रहेंगे उसमें जीएसटी लगेंगे, हाँ बिल्कुल लगेगा। देयर कुड बी मैनी अदर सर्विस, चैरिटेबल ट्रस्ट जरूरी है कि चैरिटेबल सर्विस ही प्रोवाइड करेगा, नहीं, कुछ और सर्विस भी दे सकता है जो चैरिटेबल नहीं हो, कुछ सर्विस ऐसी हो सकती है ना जो चैरिटेबल नहीं हो, क्या हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट ने चैरिटेबल की प्रॉपर्टी जो है वो रेंट से दे दिया, मतलब ट्रस्ट की प्रॉपर्टी रेंट से दे दिया, तो वो क्या चैरिटेबल एक्टिविटी के, मंदिर को नहीं दिया, शॉप वगैरह। अब आप कभी इधर गए होंगे कोई बड़े बड़े मंदिर, तो वहां पे बहुत सारे शॉप्स भी रहते हैं मंदिर के कॉम्प्लेक्स में, वो शॉप उन्होंने रेंट से दिया, तो ये जो सर्विस है ये चैरिटेबल नहीं है, उसका किराया वसूल रहे। तो भैया हमने जो यहाँ चैरिटेबल बोला वो एक्टिविटी चैरिटेबल, बाकी चैरिटेबल नहीं। तो क्या कहना है, देयर कैन बी मेनी अदर सर्विस बाय सच चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस ट्रस्ट विच आर नॉट कवर्ड बाय डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, हैंड सच सर्विस विच अट्रैक्ट जीएसटी। हम जीएसटी किसको नहीं लगा रहे, किसको एग्जेम्पशन दे रहे, सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटीज को, बाकी को थोड़ी देना है, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस, अब देखिए यहां पे लिखा भी है एग्जाम्पल, ग्रांटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग राइट्स टू अ पर्सन ऑन अ प्रिमाइसेस ऑफ चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट और ऑन पब्लिकेशन ऑफ द ट्रस्ट और ग्रांटिंग एडमिशन टू इवेंट्स, फंक्शन, सेलिब्रेशन, शोइंग अगेंस्ट एडमिशन टिकट्स, फीस, वुड अट्रैक्ट जीएसटी। भैया इस पर जीएसटी लग जाएगा, सीधी सीधी बात है। अगर आगे के पैराग्राफ में इसका एलबोरेशन दिया हुआ है, वी हैव एग्जामिन्ड सम ऑफ द एक्टिविटी। अब ये बेटा इसका स्कोप अनलिमिटेड है, कुछ एक्टिविटीज को हम एग्जामिन कर रहे हैं, मैंने वही एक्टिविटीज और सारी सारी एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटी मैंने कवर की है जो आपके सिलेबस में, आपके मॉड्यूल में है, कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं। और अगर आपको ऐसा दिख जाता है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं छोड़ा है, लेकिन सजेशन क्रिटिसिजम्स अगेंस्ट द बुक ऑलवेज वेलकम, आपको मालूम है जीएसटी की बहुत बड़े प्यार से बनाई गई है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा देख के कि हाँ सर ने बड़े फुर्सत से जीएसटी की किताब बनाई है, ठीक है ना। तो चलिए, और जिस जिसको किताब मिल गई है बहुत अच्छी बात है बेटा, आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी, आपको आज रिलैक्स फील हो रहा होगा, ये किताब पहले ही मिल जाती अगर लॉकडाउन ना आता, मेरी इच्छा थी कि फर्स्ट डे से किताब दूं, फिर भी मैंने तीसरा चैप्टर जैसे ही कंप्लीट किया आपके हाथ में किताब डाल दी। यदि देखा जाए तो सिर्फ 56 पेजेस, सॉरी 60-70 पेजेस ही आपको बिना किताब के करना पड़ा, बचे 300 पेजेस के लिए आपके पास बुक है। तो जल्दी से जल्दी मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप ऑफिस से प्लीज कलेक्ट कीजिए ताकि आपको बेनिफिट रहे, बराबर है। तो चलिए हम आते हैं, कुछ एक्टिविटीज बेटा एनालिसिस की गई है, और एक एक चीज ध्यान रखना, जितना मॉड्यूल में है या जितना सिलेबस में उतने ही क्वेश्चन आते हैं, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। आप अभी वैसे भी, आपको बता दो, यू आर एट सीए इंटर लेवल, तो टैक्सेशन जो है वो समुंदर है। अभी आप इंटर लेवल पे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपके लिए तालाब ही है, एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, फाइनल में आओगे तो एक नदी है, और जब चार्टर्ड बन जाओगे तो फिर समुंदर है, जैसा प्रैक्टिस करना है कर सकते हैं। अभी इसके कुछ दायरे हैं, क्या दायरे है, सिलेबस हमारा जो मॉड्यूल में है, आई बात समझ में। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ जो मॉड्यूल में है उस हिसाब से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके बारे में क्या लिखा है देखते हैं जरा। एक्टिविटीज
ऑफ स्कूल कॉलेजेस और एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट बाय वे ऑफ चिल्ड एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ऑफ अबेंडेंट ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन फिजिकली और मेंटली अब्यूज पर्सन प्रिजनर्स और पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स और अबाउ रिसाइडिंग इन रूरल एरिया. अभी पढ़ाया था ये चीज. विल बी कंसिडर्ड चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड इनकम फ्रॉम सच सप्लाइज विल बी होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. ठीक है. Activities of school, colleges or an institution run by trust which do not come within the ambit. भैया school, college, charitable trust है लेकिन जरूरी थोड़ी है सारी activities वो charity वाले करेंगे. तो which do not come within the ambit. Ambit मतलब scope. Which do not come within the scope of charitable activities will not be exempt under entry 1 of the notification. However, यहाँ exempt नहीं तो कहीं और हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं है. Such activities may be हो सकता है. कहाँ देखना पड़ेगा? Entry number 66 of notification. इस chapter में listed है. ये क्या बताता है पता है? School provided school, college और institution qualifies as an educational institution. Educational institution के लिए special entry है. उसके अंदर हम देख सकते हैं ये चीज. ठीक. अब hostel accommodation की बात करते हैं. जरा ध्यान देना. Hostel accommodation provided by trust. Hostel accommodation service provided by trust to student do not fall within the ambit of charitable activities as defined above. वो charitable activities में नहीं आता. However, accommodation service in hostel including such service provided by trust having below or equal to 1000 per day is exempt under entry 14 of the notification. ये आगे आपको देखने मिलेगा. भैया यहां exempt नहीं है लेकिन ये अगर ऐसा कुछ हॉस्टल दिया जाता है और उसका जो किराया जो है पर डे 1000 या उससे कम इक्वल टू और बिलो 1000 है तो फिर वो exempt रहेगा. उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. इन शॉर्ट रिलीजियस यात्रा पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रिलीजियस ट्रस्ट are not exempt. Exempt नहीं है. Further service of transportation of passenger for pilgrimage by charitable trust are not exempt from GST. मतलब they are liable to GST. Only such service of religious pilgrimage as are provided by specified organization in respect of religious pilgrimage facilitated by government of India under bilateral agreement are exempt from GST. सर ये क्या होता है नहीं समझा. Entry number 60 में लिखा है. ये जो कहानी है ना ये एंट्री नंबर 60 लिखी हुई है. चलिए 60 पढ़ते हैं सीधा आपको समझ में आ जाएगा. कोई बात नहीं. सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलेटरल अरेंजमेंट. क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने लिखा है. स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग. ये चारधाम यात्रा वाला है. चारधाम यात्रा सुना होगा ना. हाँ. हज कमेटी ऑफ इंडिया या स्टेट हज कमेटी इंक्लूडिंग जॉइंट स्टेट कमेटी. इंडिया की हज कमेटी हज यानी हज पे ले जाते हैं ना वो. तो वो जो है ये दो अगर कोई सर्विस दी जाती है इससे रिलेटेड यात्रा. अभी हज जाना भी यात्रा कराना है चार धाम भी यात्रा है तो ये एग्जेम्प्ट है. सिर्फ ये दो ही है बाकी नहीं है. Hence, as per entry 60, services provided by Haj Committee and Kuman Vikamandal Vikas Nigam in relation to religious pilgrimage yani yatra karana char dham ya haj facilitated by government of india madad government of india ki honi chahiye. Private operator agar haj pe le ja raha hai I repeat government of india ki madad ke bina to phir wo activity yahan pe nahi aayegi. Wo exempt nahi wo taxable. Private wala uttarakhand yatra kara raha hai exempt nahi hai. Government ki facilitation hona bahut zaruri hai. Are not liable to gst. theek hai. इसके बाद आता है अरेंजिंग योगा एंड मेडिटेशन कैंप. योगा भी एडवांसमेंट चैरिटेबल एक्टिविटी में आता है. फी और कंसिडरेशन चार्ज इन एनी फॉर्म फ्रॉम द पार्टिसिपेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग रिलीजियस योगा और मेडिटेशन प्रोग्राम और कैंप मीन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन स्पिरिचुअलिटी और योगा शेल बी एग्जेम्प्ट. ये पढ़ा था अपन ने अभी. रेसिडेंशियल प्रोग्राम और कैंप्स वेयर अ फी इज चार्ज इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लॉजिंग बोर्डिंग शेल बी एग्जेम्प्ट एज लॉन्ग एज द प्राइमिनेंट एंड प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंशियल प्रोग्राम और कैंप्स इज एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा. मतलब आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम चला रहे या कैंप चला रहे और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एडवांसमेंट ऑफ क्या एडवांसमेंट रिलीजन स्पिरिचुअलिटी या योगा तो भैया लॉजिंग और बोर्डिंग ये भी एग्जेम्प्ट रहेगा. लेकिन जरा ध्यान देना इस पे.
इफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट मियरली और प्राइमरीली प्रोवाइड अकोमोडेशन और सर्व फूड ड्रिंक अगेंस्ट कंसिडरेशन, पैसे लेते हैं, इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग डोनेशन, सच एक्टिविटी विल बी टैक्सेबल, क्योंकि खाना पीना दे रहे हैं. सिमिलरली एक्टिविटीज सच एज होल्डिंग ऑफ फिटनेस कैंप, क्लासेस फॉर दोज इन एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक, ये सब टैक्सेबल है. तीन ही है, रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी, योगा. ठीक है, यहां लिखा है एक और चीज, भाग्य ज्योति फाउंडेशन, एक ही एक्टिविटी होंगी आज ऐसा लगता है मुझे, उससे ज्यादा, क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी लेंगे तो बहुत लंबा टाइम होगा, तो फिर एक ही लेंगे. भाग्य ज्योति फाउंडेशन अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 20AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ मेडिटेशन कैंप फॉर ओल्ड एज पीपल. जीएसटी वुड बी एग्जेम्प्ट ऑन सेम एज सर्विस प्रोवाइडेड बाई एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बाय एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी ऑफ योगा आर एग्जेम्प्ट. मेडिटेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, मेडिटेशन कैंप काय के लिए रहता है, योगा कोई है ना. हॉस्पिटल मैनेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जेम्पशन अवेलेबल टू हेल्थ केयर सर्विस इन एंट्री 74 में एग्जेम्पशन है, इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैरामेडिक्स ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट ऑल्सो. भैया आपने देखा होगा कई रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट दवाखाना चलाते हैं, बराबर है ना. रिलीजियस ट्रस्ट हो गया दवाखाना, जैसे जैन दवाखाना होता है आपका, महेश्वरी दवाखाना, तो ये सब चलाते हैं. ये जीएसटी इन पे नहीं लगेगा, इनकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा. मतलब ये लोग जो सर्विस दे रहे हैं कस्टमर से जीएसटी वसूल नहीं करेंगे, सीधी सी बात ये है. ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ये क्या होता है, बिसाइड चैरिटेबल एक्टिविटीज सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, जिससे रिस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी हमको अच्छा लगता है, गुड फीलिंग आती है, जब काम करके बहुत थक गए, थोड़ी देर क्रिकेट खेल लिया, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, बराबर है. बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड 12AA आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री 80, और एंट्री 80 क्या है, ये यहां पे दिया हुआ है. ठीक है, अब देखो एंट्री 80 पड़ी, 60 पड़ी, 1 पड़ी, सर सिक्वेंशियली तो एकदम अलग है, लेकिन 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 ये है रिलीजियस से रिलेटेड, इसलिए. अब बेटा इसमें समझाने जैसा बहुत नहीं है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है ना, तो आपको मजा आएगा और बहुत आसान चैप्टर है, ऐसा दिल खुश हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करके. ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये 5 मार्क्स समझ के चलना इस चैप्टर से, 5 के 8 भी हो सकते हैं, तो बड़ा मजा आएगा बेटा. 5 को तो कोई तकलीफ ही नहीं है, 5 कन्फर्म है, कन्फर्म. एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है ना. ओके, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग कोचिंग, ये देखिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ठीक है. रिक्रिएशनल एक्टिविटी का मतलब ये बता दिया, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, हैंस ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी इन द एरियाज अदर देन आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स इन आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ एंट्री, मतलब क्या एंट्री, एंट्री मतलब क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा. इसके अलावा, किसके अलावा, आर्ट्स, कल्चर या स्पोर्ट्स के अलावा अगर कुछ रहेगा तो दैट विल बी टैक्सेबल, सिंपल. फर्दर ट्रेनिंग और कोचिंग रिलेटेड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स इज कवर्ड इन दिस एंट्री, चाहे कुछ भी हो, देखिए नेमली डांस हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, स्क्रप्चर मेकिंग हो, लिटररी एक्टिविटी, लिटररी यानी लिखना, ऐसे लिखना, ये सब चीजें, थिएटर, स्पोर्ट्स ऑफ एनी स्कूल ट्रेडिशन और लैंग्वेज और ऑफ एनी ऑफ द स्पोर्ट्स, ये सारे इसके अंदर कवर किए जाते हैं. ठीक है, जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा है इसमें, जीएसटी ऑन चैरिटेबल और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट. अब ध्यान देना, चैरिटेबल ट्रस्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या देख रहे थे, अभी तक क्या देखा, सर्विस प्रोवाइडर वॉज चैरिटेबल ट्रस्ट एंड यू वेयर द रिसिपियंट, इमेजिन. अब क्या देख रहे हैं, यू आर द सर्विस प्रोवाइडर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट इज द रिसिपियंट, सर्विस प्रोवाइडेड टू द चैरिटेबल ट्रस्ट. मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, आप चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडेड मतलब मैं प्रोवाइड कर रहा हूं सर्विस, आई एम द सर्विस प्रोवाइडर एंड आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू चैरिटेबल ट्रस्ट, आपको सर्विस दे रहा हूं, यही बात समझ में, ठीक है. सर्विस प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट आर
नॉट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, यानी वो जीएसटी के स्कोप में नहीं है, ऐसा नहीं है. दे आर इन द स्कोप ऑफ जीएसटी, आर नॉट आउटसाइड, बाहर नहीं है मतलब अंदर है. अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट, ऑल गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर लेवियबल टू जीएसटी. जीएसटी लागू होगा, जीएसटी लागू होगा. एंट्री नंबर 13, 13A, 13B इसके अंदर लिखा हुआ, ठीक है. मतलब ये थोड़ी और अलग एंट्री है. ये आपको देखिए इसके अंदर ये इतना हो गया बेटा, ये काम हो गया यहां पे, ये इतना ही है, ये इतना ही है, ठीक है. अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसके अंदर चीज समझ लो, ये जो इतना ही है मतलब जीएसटी ऑन सर्विस प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल, तो भैया वो जीएसटी के स्कोप के बाहर नहीं है, वो जीएसटी में आएंगे अनलेस अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय द नोटिफिकेशन, ठीक है ना. आर लेवेबल टू जीएसटी, अगर नोटिफिकेशन के जरिए ही एग्जेम्प्ट कर दिया तो बात अलग है, फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना. एक एंट्री नंबर 13, अब ये नई एंट्री आपको पढ़ा रहा हूं. सर्विस बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ, कौन दे रहा, कोई एक पर्सन सर्विस दे रहा किसको, कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मीन्ट फॉर जनरल पब्लिक. चलिए देखते हैं एंट्री 13A को जरा ध्यान से देखना. इट कैन बी इन्फर्ड दैट अमाउंट चार्ज बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड फॉर कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. भागवत, रामायण, रामलीला, कृष्ण लीला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिलीजियस सेरेमनी, रावण जला रहे, रिलीजियस सेरेमनी एग्जेम्प्ट. कोई चार्ज अगर आप लेते हो तो एग्जेम्प्ट, कोई तकलीफ नहीं. रिलीजियस सेरेमनी मतलब क्या, लाइफ साइकिल रिचुअल्स इंक्लूडिंग स्पेशल रिलीजियस पूजा कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस पुराणों में जो लिखा हुआ है. By a person so authorized by such religious text, occasion like birth, marriage and death involve elaborate religious ceremony. ठीक है. अब शादी के अंदर पंडित जो आएगा जो सर्विस दे रहा है वो एग्जाम नहीं, तो आप बोलोगे वो रिसेप्शन दे रहा है वो भी वो एग्जाम नहीं है, कैटरिंग वगैरह हॉल रेंट के लिए वो एग्जाम नहीं है, समझ लेना बात. रामानंद जोशी अ प्रीस्ट चार्जेस 12,000 फॉर कंडक्टिंग रिलीजियस सेरेमनी ऑन बर्थडे ऑफ मिस्टर घनश्याम सन, बच्चे के जन्मदिन के दिन पूजा करा रहा, रिलीजियस सेरेमनी हुई, अमाउंट चार्ज फॉर द कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी एग्जाम. मतलब ये कौन सी सर्विस हो गई, कौन सी सर्विस हुई बेटा, पंडित की सर्विस. रिलीजियस सेरेमनी कौन कंडक्ट करता है, पंडित ही करेगा ना, पुजारी करेगा ना, एग्जाम. ठीक है. रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मीन फॉर जनरल पब्लिक, ध्यान देना. ये जो प्रेसेंट्स प्लेस मतलब आसपास का एरिया, देखिए या तो देखिए आपने सुना होगा मंदिर में कभी भागवत होती है, मंदिर में रामायण होती है, तो होता क्या है इसमें, मंदिर की प्लेस उस रामलीला में यूज हो रही है, या प्रेसेंट्स में मंदिर को लगी हुई प्रॉपर्टी जो मंदिर की है, मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी का, मंदिर तो थोड़ी सी जगह में रहता है, आसपास की प्रॉपर्टी भी मंदिर की रहती है, तो प्रेसेंट्स वो भी मंदिर ने दिया किसी को, भैया रामलीला कर लो, भागवत कर लो, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा. ठीक है. Owned और managed by, देखिए जो place है owned या managed by entity registered under charitable religious trust under section 12AA of income tax act or a trust or an institution registered under 1023C of income tax act, ये भी trust रहता है, or a body or an authority covered under section 1023BBA of the said income tax act. इतना आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझा दिया कि ये exempt रहेगा. ठीक है. अब जरा काम की बात. Nothing contained in 13B of this exemption shall apply to, मतलब ये अगर condition violate होगी या ये condition fulfill होगी तो taxable होगा, GST लगेगा. Renting of room where charges are 1000 or more per day, हॉस्टल का रूम अभी देखा था अपन ने, 1000 या उससे ज्यादा है, आर 1000 और मोर पर डे, तो भैया बिलो 1000 है तो बात अलग है. रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस कम्युनिटी हॉल्स कल्याण मंडपम, शादी का मंडप होता है कल्याण मंडपम, और ओपन एरिया लाइक एंड लाइक वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर डे. रेंटिंग ऑफ शॉप और स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ, अगर ऐसा है तो जीएसटी
लगेगा लगेगा और लगेगा, सीधी सीधी बात। अब प्रेसेंट्स मतलब, एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, जरा इसके अंदर अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। एंट्री 13B ऑफ द नोटिफिकेशन एग्जाम्स, रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मीन फ्रॉम जनरल पब्लिक ओन्ड बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर स्पेसिफाइड सेक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक है। हाँ, प्रेसिडेंट्स का मतलब ये काम की चीज है। इज नॉट टू बी इंटरप्रेटेड इन रिस्ट्रिक्टेड मैनर, इसको रिस्ट्रिक्टेड मैनर में इंटरप्रेट मत कीजिए। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करें, बड़े फॉर्म में। हैड ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रिलीजियस प्लेस लोकेटेड विद इन द आउटर बाउंड्री ऑफ वॉल ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन विच रिलीजियस प्लेस इज लोकेटेड इज टू बी कंसिडर्ड एज बींग लोकेटेड इन द प्रेसिडेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस। आस पास की प्रॉपर्टी भी जो रिलीजियस ट्रस्ट की है वो भी इसमें आ जाएंगी। द इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इमीजिएट विसिनिटी, लग के बिल्कुल लग के, और द सराउंडिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस एंड ओन्ड बाय द रजिस्टर्ड प्लेस रिलीजियस प्लेस और अंडर सेम मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस प्लेस मे बी कंसिडर्ड बींग लोकेटेड इन द प्रेसिडेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस एंड एक्सटेंडेड बेनिफिट ऑफ अबव एग्जेम्पशन। अब आपको एग्जाम्पल देता हूं, नागपुर का गणेश मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, गणेश टेकड़ी वाला। गणेश टेकड़ी मंदिर पूरी बड़ी जगह है, उसके ठीक सामने ठीक अपोजिट में एक मॉडल स्कूल है, मॉडल गणेश मॉडल स्कूल, मॉडल स्कूल, मॉडल MODEL मॉडल स्कूल है, वो भी रन करता है वो गणेश मंदिर ठीक सामने। अब इसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग में नहीं है लेकिन ये क्या है, इमीडिएट विसिनिटी, ये क्या है, इमीडिएट विसिनिटी यानी आसपास है सर, आसपास है, हाँ बिल्कुल सामने, वो जगह भी ट्रस्ट की, हाँ ट्रस्ट की, तो वो जगह भी अगर दी जाती है तो वो भी प्रेसिडेंस कहा जाएगा। यानी सराउंडिंग में होना चाहिए, वो तो प्रेसिडेंस है ही, लेकिन आसपास की अगर आप होल्ड कर रहे हो तो वो भी प्रेसिडेंस है। तो 100-200 किलोमीटर या 2-4 किलोमीटर दूर नहीं, बिल्कुल लग के, इमीडिएट विसिनिटी, आसपास, आसपास यानी कितना सामने ही दिख रहा है, यहां ये हमारी जगह है, इस टाइप की चीज। आई बात समझ में। एक्टिविटीज अदर देन कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी एंड रेंडिंग ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस विल बी टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैनर और नेम इन विच कंसिडरेशन इज रिसीव। फॉर एग्जाम्पल, if the donation is received for specific instruction, mutual understanding between donor and receiver, the religious place will host an advertisement promoting business of the donor, such donation will be subject to GST, obviously baat hai. However, if the donation is received without such instruction or without quid pro quo, matlab ki bhaiya kya karna, in the form of supply of any good service or both to the receiver to donor, shall not be subject to GST, theek hai। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ, ये जो दो चीज अभी अपन ने देखे इसका एग्जाम्पल भी है। दुर्गा देवी ट्रस्ट, अ रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ओन्स एंड मैनेजेस टेंपल इन देयर लोकेलिटी। इट रेंट्स कमर्शियल शॉप लोकेटेड इन प्रेसिडेंस ऑफ टेंपल फॉर अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। दिस कंसिडरेशन रिसीव्ड इज लायबल टू जीएसटी एज कंसिडरेशन इज नॉट लेस देन 10,000। 10,000 से कम होना चाहिए था, बराबर है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल बेटा, सर्व शिक्षा फाउंडेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर 1023 सी, ये भी आपको बताया था, ओन्स एंड मैनेजेस गुरुद्वारा। इट रेंट्स कम्युनिटी हॉल लोकेटेड इन प्रेसिडेंस ऑफ गुरुद्वारा फॉर अ रेंट ऑफ 9,000 पर डे फॉर मैनेजेस को, कल्याण मंडपम अभी आपने देखा था, वो टाइप की चीजें रहती है इसके अंदर। और द कंसिडरेशन सो रिसीव्ड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एज इट इज लेस देन 10,000। अब ये जो है ना, ये तिरुपति में देखने मिलता है, तिरुपति के अंदर, वहां बेटा 50 रुपए के रूम है, 100 रुपए के रूम है, 200 रुपए के रूम है, 500 रुपए के रूम है, 999 रुपए के रूम है और फिर सीधा 1500 के रूम है। यहां तक नो जीएसटी, इसके बाद जीएसटी लगेगा। रेट ऑफ जीएसटी हमारा संबंध नहीं है, वो कोई भी रेट से, वो क्वेश्चन रेट याद नहीं रखना है। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या रेट से जीएसटी सर वो याद रखना है क्या, बिल्कुल नहीं रखना है, क्वेश्चन में साफ साफ आपको रेट्स दिए रहेंगे, नो नीड टू रिमेंबर रेट। हाँ, कंपोजिशन के रेट ध्यान रख लो, 1%, 1%, 5%, 6%, आई होप आप समझ गए, ठीक है। अब ये आप पढ़ लेना बेटा, समरी, समरी आप लोगों के लिए, समरी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आज एक ही सर्विस आप लोगों को कराऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके पेज नंबर यहां पे दिए हुए, तो आज अपने को जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। तो 1 और 2 क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट होता है, बराबर है। चलिए तो करते हैं।
तो इसमें बेटा दो क्वेश्चंस है बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं पहले। कैप्स एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज फर्निश्ड यू द फॉलोइंग डिटेल्स विथ रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय इट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी। 12AA में रजिस्टर्ड है, ठीक है। फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय ट्रस्ट, बोलो टैक्सेबल की एग्जाम एग्जेम्प्ट रहेगा। अमाउंट रिसीव फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू अबेंडेंट ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन, ये भी एग्जेम्प्ट है। अमाउंट रिसीव फॉर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ट्रस्ट, कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ट्रस्ट। बेटा ये जो 35 लाख है ये टैक्सेबल है क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो ट्रस्ट ओन करती है, और इसको रेंट देके जो इनको पैसा मिला ये कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है, तो ये टैक्सेबल रहेगा। अब ये जो पेमेंट मेड फॉर द सर्विसेज रिसीव फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंग्लैंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज, नो डाउट ये चैरिटेबल एक्टिविटी, लेकिन ये बाहर से पैसा मिला ये टैक्सेबल नहीं है। बाहर से मिले चाहे कहीं से मिले बेटा ये टैक्सेबल नहीं रहता, ठीक है ना, ये आपको बता देता हूं। लेकिन इसमें रिवर्स चार्ज में टैक्स रहता है अगर रहा तो। अमाउंट रिसीव फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, अगेन एग्जेम्प्ट। रिसीप्ट ऑफ ओल्ड एज होम मीन फॉर रेसिडेंट ऑफ 60 ईयर्स और मोर, कंसिडरेशन पर मंथ पर मेंबर इज 5,000 इंक्लूसिव ऑफ बोर्डिंग एंड मेंटेनेंस। बेटा आपको ये बता दूं ये एंट्री नंबर 9D में आता है, ये अभी पढ़ाने का है, आप अभी के लिए समझ लीजिए इसमें 25,000 के लिमिट है, ये 5,000 है इसलिए ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये आगे आएगा तब मैं आपको एक बार बता दूंगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा ये पहले आ गया, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी 18% दिया है तो निल निल, ये 35 लैक्स है आपका, इसके ऊपर 18% निकाल लीजिए। और ये जो रहता है रिवर्स चार्ज वाला रहता है क्योंकि नॉन रेसिडेंट से आप ले रहे हो, नॉन रेसिडेंट को गवर्नमेंट नहीं पकड़ सकती, इसलिए गवर्नमेंट आपके ऊपर जिम्मेदारी डालती है कि यू हैव टू पे सर्विस, यू हैव टू पे जीएसटी बाय वे ऑफ रिवर्स चार्ज। आई बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इसमें इससे रिलेटेड है। सिद्धिविनायक टेम्पल एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर रिलीजियस ट्रस्ट 12AA has furnished you the following details with respect to activity undertaken by it. You are required to compute value of taxable supply. Renting of room charges 500 per day, बोलो taxable exempt sir exempt. Renting of room 1500 हजार से ज्यादा taxable. Renting of community halls 25,000 10,000 से ज्यादा taxable. कल्याण मंडपम 5,000 है 10,000 से कम है exempt. शॉप फॉर बिजनेस 15,000 10,000 से ज्यादा है टैक्सेबल, 5,000 है यानी 10,000 से कम एग्जेम्प्ट। ये तीन एग्जेम्प्ट और ये तीन टैक्सेबल, टोटल 26,50,000। कितना आसान क्वेश्चन था, आई बात समझ में? तो आज दोस्त अब ये जो है एग्रो केयर, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस से, तो आज दोस्तों हम लोग यही रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज यही रुकते हैं, आज थोड़ा छोटा लेक्चर है आप लोगों के लिए, ठीक है। टिल देन बाय।